जयपुर से खबर है जहां पर 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। एसीबी डीजी बने हैं राजीव कुमार शर्मा और राघवेंद्र सुवास आईजी रेलवे जयपुर, हिंगलाजदान आईजी नियम जयपुर, रविदत्त गौड़ आईजी कोटा रेंज, प्रसन्न कुमार खमेसरा सीआईडी क्राइम ब्रांच, गौरव श्रीवास्तव आईजी मुख्यमंत्री सुरक्षा एवं सतर्कता, विकास कुमार आईजी जोधपुर रेंज सहित कई अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। जयपुर में 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिनमें से एसीबी डीजी बने हैं राजीव कुमार शर्मा, राघवेंद्र सुभाष जो है वो आईजी रेलवे जयपुर, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, आज 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। देखिए, राज्य सरकार ने बुधवार को 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से तबादला सूची जारी की गई है। राजस्थान में अब तक डीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसडीआरएफ का जिम्मा संभाल रहे डीजी राजीव शर्मा को अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कमान सौंपी गई है। डीजी राजीव शर्मा को डीजी एसीबी के पद पर लगाया गया है। वहीं जोधपुर पुलिस कमिश्नर रहे रविदत्त गौड़ को हटाकर अब आईजी कोटा रेंज की जिम्मेदारी दी गई है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर के पद पर राजेंद्र सिंह को लगाया गया है। वहीं एसजी राघवेंद्र सुहासा को आईजी रेलवे, हिंगलाज दान को आईजी पुलिस नियम, प्रसन्न कुमार खमेसरा को आईजी सीआईडी सीबी जयपुर लगाया गया है। वहीं गौरव श्रीवास्तव को आईजी मुख्यमंत्री सुरक्षा और मुख्यमंत्री सतर्कता की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अब तक राजस्थान विधानसभा चुनाव में सीजिंग की कार्रवाई को लेकर रिकॉर्ड कायम करने वाले आईजी विकास कुमार को अब जोधपुर रेंज की कमान सौंपी गई है। वहीं जय नारायण को आईजी इंटेलिजेंस जयपुर, अंशुमन भोमिया को अब तक डीआईजी एटीएस में तैनात थे, पदोन्नति होने के बाद अब उन्हें आईजी एटीएस में ही लगा दिया गया है। वहीं जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में डीआईजी एडिशनल कमिश्नर रहे राहुल प्रकाश को अब पदोन्नति होने के बाद आईजी भरतपुर रेंज की कमान सौंपी गई है। अनिल कुमार टाक को आईजी लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान पुलिस मुख्यालय लगाया गया है। ओम प्रकाश द्वितीय को डीआईजी को अब पाली रेंज की कमान सौंपी गई है। माना जा रहा है कि जल्द राजस्थान में लोकसभा चुनाव होने हैं। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जल्द जो है अब पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के भी तबादले किए जाने हैं। राज्य सरकार चाहती है कि चुनाव से पहले अच्छा संदेश देने के लिए फील्ड में अच्छा काम करने वाले आईपीएस अधिकारियों को जो है वो बड़े जिलों की कमान सौंपी जाए। साथ ही पुलिस अधीक्षक से डीआईजी पद पर पदोन्नत हुए अधिकारी भी अब तक पुलिस अधीक्षक स्तर के पदों पर ही काम देख रहे हैं, तो ऐसे में जल्द पदोन्नत होने वाले डीआईजी अधिकारियों के साथ ही एसपी स्तर के अधिकारियों की तबादला सूची भी जारी हो सकती है। जी विवेक, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।